नमस्कार गाइस, सत्यराम। मेरी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं एक अलग तरीके का आपको पराठा बनाना बता रही हूँ, जो अगर आपको पसंद आए तो आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा। ये देखिए, हमने नॉर्मल आटा लिया है रोटी का, ना तो ये ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा गीला है। ये देखिए, और इस आटे में अब ये देखिए, ये आटा ले लिया है हमने। इस आटे में गाइस मैं हल्की सी मिर्ची डाल रही हूँ और हल्का सा स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ और ये धनिया पाउडर डाल रही हूँ। अब इसको मैं इस तरीके से रोल रोल करते हुए ये देखिए, और मैं लोई बना लूँगी। देखिए, ये लोई बना ली मैंने। आटे में इसको रैप कर रही हूँ। अब मैं इसको बेलूंगी। आप जितना बड़ा चाहो इसको बेल सकते हो। ये देखिए गाइस, ये हमारे चकले पे नहीं आया इसलिए हमने इसको थाली पे बेला है। आप चाहो तो नीचे भी बेल सकते हो। अब मैं इसमें लगा रही हूँ घी। देखिए, अच्छे से मैंने इस पे घी लगा दिया है। ये पराठा आप मैदे का भी बना सकते हो। ये आटा मैंने इसके ऊपर छिड़क दिया है। अच्छे से आपको आटा छिड़कना है इसके ऊपर, ये देखिए। और आप इसको और भी बड़ा कर सकते हो। अब हम इसको राउंड राउंड करेंगे। देखिए, तरीके से राउंड राउंड कर रहे हैं। ये देखिए, मिर्ची आ गई। देखिए, मसाला हमारा आ गया है। ये देखिए, राउंड राउंड कर लिया है मैंने। और अब मैं इसको इस तरीके से राउंड राउंड कर रही हूँ, और जो बीच वाला हिस्सा है इसको मैं बीच में ले जाके इस तरीके से मोड़ दूंगी। ये देखिए, इसको आटे में रैप कर रही हूँ मैं। और अब हम इसको फिर से बेलेंगे थोड़ा सा। देखिए, इसको देखिए, हमने बेल लिया है। आप चाहो तो इसके ऊपर अभी धनिया भुरक के और आप चिपका सकते हो। ये हमने यहाँ पे पैन चढ़ा रखा है हमारा तवा, इसको हमने गरम कर लिया है। अब जो हमारा पराठा है वो हम इसके ऊपर डाल रहे हैं। देखिए, गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम कर रखा है। अब मैं वेट कर रही हूँ कि एक तरफ से सिक जाए। अगर ये एक तरफ सिकने का जो हमारे चेक करने का तरीका है वो है, इसके ऊपर बबल आ जाएंगे हल्के हल्के से। ये देखिए, बबल आ गए गाइस इसके ऊपर। अब हम इसको ये देखिए और घी डालेंगे। आप चाहो तो तेल से भी इसको सेक सकते हो, बट हम घी से सेक रहे हैं। इसका टेस्ट और भी दुगना बढ़ जाएगा। अब हमें ध्यान से नीचे डालना है क्योंकि घी के उछलने के चांस रहते हैं। ये देखिए, मैं पैन को हल्के हल्के से इस तरीके से करूंगी ताकि इसके नीचे घी चला जाए। देखिए, ये एक तरफ से हमारा पराठा सिक चुका है। ये देखिए गाइस, हमारा पराठा बनके तैयार है। अब हम इसको परोसेंगे और मैं बताऊंगी आपको कि इसकी लेयर किस तरीके से निकल रही है। देखिए कितना अच्छा कलर हमारा आया है पराठे का। ये देखिए, देखिए कितना अच्छा पराठा बनाया हमारा। ये देखिए गाइस, ये हमारा पराठा बनके तैयार है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें लेयर कहाँ है। ये देखिए आप, ये देखिए अंदर। और अगर आपको और देखना हो तो मैं अभी आपको बताती हूँ क्रश करके। ये देखिए गाइस, मैं क्रश करके आपको बताती हूँ। देखिए, ये गर्म है। आप चाहो तो कोई पेपर ले सकते हो। देखिए इस तरीके से आप इसकी लेयर देखिएगा अभी, और इससे खाने का मज़ा और भी दुगना आ जाता है। ये देखिए गाइस, एक एक लेयर मैं आपको बता सकती हूँ। ये देखिए इस पराठे की लेयर देखिए आप। ये देखिए कितनी लेयर हमारी आई है। ये देखिए, तो गाइस अगर मेरा वीडियो आपको ये पसंद आए तो आप प्लीज़
मेरा ये पराठा आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स भेजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अलॉट गाइज।